नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, Xiaomi के Redmi Note 6 Pro डिवाइस में आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन, जिसका वर्जन है 10.3.5.0 का स्टेबल अपडेट, जो कि सभी यूजर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है पब्लिकली। और दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफी सारे आपको नए हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले इस Redmi Note 6 Pro के लेटेस्ट अपडेट 10.3.5.0 के स्टेबल अपडेट का कंप्लीट पूरा फुल रिव्यू, गेमिंग रिस्पॉन्स कैसे, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी साथ में दोस्तों देख सकते हैं यूजर इंटरफेस, मतलब कि आपको सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है Xiaomi का Redmi Note 6 Pro डिवाइस, और इस डिवाइस में मैंने पहले से अपडेट इंस्टॉल करके रखा है, जो कि मुझे टेस्टिंग अपडेट मिल चुका था 10.3.5.0 का स्टेबल अपडेट, उसी वक्त मैंने पहला अपडेट इंस्टॉल किया था। और दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले, जैसे कि मैंने कुछ फीचर्स बताया, अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे आपको हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों, MIUI 10 का वर्जन आपको 10.3.5.0 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको लेटेस्ट मतलब कि जून का आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि इसमें आपको जुलाई का देखने को नहीं मिला है। साथ ही दोस्तों, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको काफ़ी सारी बड़ी लंबी चेंजों की फीचर लाइन देखने को मिल जाएगी, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे के पूरे फीचर्स के वीडियो में। साथ ही दोस्तों, मीडिया वॉल्यूम का जो प्रॉब्लम था, मतलब कि रिस्टोर का प्रॉब्लम था, आप देख सकते हैं रिबूट करने के बाद आपको जो मीडिया वॉल्यूम का रिस्टोर का प्रॉब्लम था, वे पर फिक्स हो चुका है, आपको किसी भी प्रकार का जो प्रॉब्लम है रिस्टोर का आप देखने को नहीं मिलेगा। आप आसानी से जो भी आपका मीडिया वॉल्यूम मतलब कि जितना चाहिए उतनी तरह आप सेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा इसके वॉल्यूम की बटन्स। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि आपके वॉल्यूम के बटन्स है उसके रिगार्डिंग। और साथ में दोस्तों, बात करेंगे यूआई को लेकर, मतलब कि जो सिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा फास्ट एंड स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रीवियस अपडेट में आपको कुछ बग्स भी देखने को मिल चुके थे, हल्का सा आपको लैग्स देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके Redmi Note 7 Pro डिवाइस में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस फास्ट स्मूथ चल जाता है। और साथ में दोस्तों, पुराने बग्स की बात कीजिए, आप देख सकते हैं वाईफाई का जो पुराना बग्स था वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है, एंड सिम का डिटेक्शन का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले में जो डार्क मोड मिल जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट, आपको बेटर डार्क मोड मिल जाता है, जो कि आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड मिल जाता है। अगर आपको पूरे सिस्टम के लिए डार्क मोड चाहिए तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरी तरह से जो डार्क मोड आपको इसी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है, तो इस बार आपको बेटर डार्क मोड मिल जाता है Redmi Note 6 Pro डिवाइस में। और साथ ही दोस्तों, सिस्टम के अंदर काफी सारे आपको हिडन फीचर मिल जाते हैं, जो कि आपको सिस्टम में देखने को मिल जाता है, इसका मैंने पूरा कंप्लीट रिव्यू वीडियो किया, मतलब कि फीचर्स का पूरा रिव्यू वीडियो किया है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे बैटरी एंड परफॉर्मेंस को लेकर, काफी सारे लोगों के एक ही कमेंट आता है कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस किस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैं अपने खुद के मतलब कि Redmi Note 6 Pro डिवाइस के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद बैटरी काफ़ी फास्ट तरीके से ड्रेन होती जा रही है, और बैटरी बैकअप मुझे कुछ अच्छा नहीं देखने को मिला। आप देख सकते हैं कुछ आपको एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिल चुका है। तो इस अपडेट के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी फास्ट तरीके से बैटरी ड्रेन होती जा रही है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड सिस्टम सबसे ज़्यादा बैटरी खा रहा है, और ना ही मैंने कुछ यहाँ पर गेम खेला उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ना ही मैं कुछ ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर स्पेंड किया है, फिर भी आप देख सकते हैं बैटरी काफ़ी फास्ट तरीके से ड्रेन होती जा रही है। अगर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो हिस्ट्री बैटरी का, तो काफ़ी फास्ट तरीके से बैटरी ड्रेन होती जा रही है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने जो 10.3.5.0 का अपडेट इंस्टॉल किया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप कैसा, मतलब कि किस तरह से बैटरी बैकअप दे रहा है। तो लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हैं फिलहाल के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि बैटरी बैकअप ठीक ठाक है, कुछ अच्छी तरह से बैटरी बैकअप तो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना भी चार्ज करूँ फिर भी आप देख सकते हैं फास्ट तरीके से जो बैटरी काफ़ी फास्ट तरीके से ड्रेन होती जा रही है, आप ग्राफ में ही देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि नेक्स्ट अपडेट में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा, उस अपडेट में आप देख सकते हैं जो बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम था वो भी पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात कीजिए, तो आप देख सकते हैं मी क्लाउड में जो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम था यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन में देख सकते हैं जो भी अपना रियल टाइम मतलब कि ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। अगर आप डाटा स्टोर करने के लिए आप देख सकते हैं बैकअप करने के लिए मी क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपने नोटिस किया होगा मी क्लाउड में आपको जो रिस्टोर का प्रॉब्लम था यहाँ पर बैकअप करने में रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने बाद आपके सारे के सारे पुराने बग्स यहाँ पर फिक्स होने वाले हैं। आप आसानी से मी क्लाउड में अपने जो डाटा है रियल टाइम में स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि बैकअप कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको बग देखने को नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों, सिस्टम आपको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन मिल चुका है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, हम चेक करके
करके देखेंगे कैमरा में आपको किस तरह से चेंजेस देखने को मिल चुका है। तो कैमरा ओपन करने के दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपको ए मोड से इसमें आपको इंक्रीज हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं पहले 12 थे आप देख सकते हैं 16 या फिर जो भी एक्स्ट्रा आपको ए मोड्स इंक्रीज हो चुके हैं। एंड साथ में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के मुझे एक ही कमेंट्स मिलते हैं कि कैमरे में नया फीचर क्या मिला है, साथ में कैमरा टू एपीआई मतलब कि मैनुअल कैमरे इसमें हम इंस्टॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी आपको कैमरा टू एपीआई का जो फीचर है अभी तक इनेबल नहीं हो चुका है, साथ में किसी भी प्रकार का नया फीचर आपको इस कैमरे में नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों कैमरा क्वालिटी अच्छी तरह से इंप्रोमाइज हो चुकी है, स्पेशली आप देख सकते हैं रियर कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रोमाइज हो चुकी है। वीडियो मोड में दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक आपको अल्ट्रा एचडी का फीचर भी देखने को नहीं मिला, आप देख सकते हैं फुल एचडी में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ सैंपल दिखाने वाला हूं, जैसे देख सकते हैं वीडियो के सैंपल से, उसके बाद आप देख सकते हैं कैमरा के फोटो के सैंपल से, स्लो मोशन के सैंपल से मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कैमरे के हम सेटिंग के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो किसी भी प्रकार का नया फीचर आपको देखने को नहीं मिला है। तो इसमें अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मैंने कुछ फोटो सैंपल कैप्चर किए, साथ में दोस्तों कुछ वीडियो सैंपल्स भी है जो कि आपको मैं वन बाय वन शो करने वाला हूँ। तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके रेडमी नोट 6 प्रो में किस तरह से आपको कैमरा सैंपल्स मतलब कि कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों स्पेशल आप देख सकते हैं 10.3.5.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो रियर कैमरे की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ मैं आपको सैंपल दिखाई दे रहा हूँ कि रियर कैमरे से मैंने कैप्चर किए गए कुछ फोटोज आप देख सकते हैं जो कि मैंने आउटडोर में कैप्चर किए, आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से आपको डिटेलिंग मिल जाते हैं, साथ ही दोस्तों कलर रिप्रोडक्शन देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से आपको मिल जाती है। दूर के फोटोज भी आप देख सकते हैं, जैसे वाइड एंगल में फोटोज भी देख सकते हैं, आपको डिटेल में काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे सेल्फी कैमरा मतलब कि फ्रंट कैमरा में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों सेल्फी फ्रंट कैमरा आपको एज यूजुअल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पुराने अपडेट में देखने को मिला था। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं लो लाइट कंडीशन में आप देख सकते हैं इंडोर में आपको अच्छी तरह से क्वालिटी मिल जाती है। एंड स्लो मोशन की वीडियोज भी देख सकते हैं, इस तरह से आपको स्लो मोशन की वीडियोज देखने को मिल जाती है, किसी भी प्रकार का आपको बग्स देखने को नहीं मिलेगी। एंड वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको वीडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ब्लॉग की वीडियो करना है इस Redmi Note 6 Pro की डिवाइस आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से ब्लॉग की वीडियोस मतलब कि वीडियो शूटिंग भी कर सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं Redmi Note 6 Pro के डिवाइस में अभी तक इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कैमरे में तो फीचर नहीं मिले, लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी तरह से इंप्रोमाइज हो चुकी है। साथ ही दोस्तों गेमिंग रिव्यू के लिए आप देख सकते हैं गेमिंग अच्छी तरह से आप प्लेबैक देख सकते हैं, पब्जी में परफॉर्मेंस अच्छी तरह से मिल जाएगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस गेमिंग रिव्यू में आप देख सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा आपको हैंड्स फ्री नोटिफिकेशन मतलब कि कॉल हैंड्स फ्री नोटिफिकेशन का फीचर ऐड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार में गेम खेलते वक्त पब्जी गेम खेलते वक्त आपको ऊपर नोटिफिकेशन मतलब कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन मिल जाएगा कॉल का, उसी तरह से आप उसको कॉल रिसीव कर सकते हैं चाहे आप गेम खेलेंगे, मतलब कि आपको बार बार गेम ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों Redmi Note 6 Pro डिवाइस में आप देख सकते हैं अल्ट्रा एचडी का सपोर्ट नहीं मिला है, साथ में दोस्तों फुल एचडी में प्लेबैक मतलब कि गेम खेल नहीं सकते, बस आप एचडी परफॉर्मेंस में आपको एचडी प्लेबैक में पब्जी गेम देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों इस डिवाइस में आपको गेम स्पीड बूस्टर का फीचर भी ऐड हो चुका है, जिसके वजह से अपने जो गेमिंग का परफॉर्मेंस है आपको फास्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करेंगे गेम टर्बो 2.0 की, अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों Redmi Note 6 Pro में आपको गेम टर्बो 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, हो सकता है जो फीचर्स आपको MIUI 11 अपडेट के बाद आपके Redmi Note 6 Pro डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करेंगे आपको मिल चुका है थीम स्टोर में। तो अगर आप थीम स्टोर एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दोस्तों जो प्रॉब्लम अगर आपने नोटिस किया होगा आप देख सकते हैं इंपोर्ट थर्ड पार्टी थीम मतलब कि आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी थीम अप्लाई करने में आपको बग्स देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके जो थीम स्टोर में थर्ड पार्टी थीम अप्लाई करने में मतलब कि इंपोर्ट करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो यहाँ पर कंप्लीटली मतलब कि फिक्स हो चुके हैं। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आसानी से आप थर्ड पार्टी थीम या फिर किसी भी प्रकार की APK टाइप की थीम्स मतलब कि थर्ड पार्टी थीम्स आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं मतलब कि अप्लाई भी कर सकते हैं थीम स्टोर में। और साथ ही दोस्तों अगर हम जो छोटे मोटे बग्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्टोर का प्रॉब्लम था, मीडिया वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम बटन्स का प्रॉब्लम था, यहाँ पर देख सकते हैं रिबूट करने के बाद आपको कुछ बग्स देखने को मिले थे, अगर आपने नोटिस किया होगा वो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। साथ ही दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए देख सकते हैं गेम स्पीड बूस्टर का फीचर ऐड हो चुका है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आपको बाहरी गेम स्पीड बूस्टर का फीचर ऐड हो जाएगा। साथ ही दोस्तों देख सकते हैं आंसर कॉल हैंड्स फ्री मतलब कि आपको फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जैसे कि जो फीचर ऐड हो चुका है गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए आप देख सकते हैं Redmi Note 6 Pro में किसी भी प्रकार का आपको बग्स देखने को नहीं मिलेगा। एंड Redmi Note 6 Pro डिवाइस में आप देख सकते हैं आपको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल चुकी है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों ये कुछ आपको चेंज लुक मिल जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मिल जाते हैं जो अपने पुराने बग्स यहाँ पर फिक्स हो चुका है Redmi Note 6 Pro डिवाइस में 10.3.5.0 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बस इसी Redmi Note 6 Pro का पूरा कंप्लीट फुल रिव्यू देने वाला था, गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, साथ में दोस्तों सिस्टम UI के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं काफी सारे लोगों के मुझे एक ही कमेंट्स मिलते हैं कि Redmi Note 6 Pro डिवाइस में MIUI 11 का अपडेट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो मतलब कि सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि Redmi Note 6 Pro डिवाइस में आपको कब तक MIUI 11 का अपडेट देखने को मिलेगा, साथ में दोस्तों कौन कौन से फीचर्स है जो कि चेंज लो फीचर्स आपको
Redmi Note 6 Pro के डिवाइस में देखने को मिलने वाले इस MIUI 11 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसे Redmi Note 6 Pro का पूरा फुल रिव्यू देने वाला था 10.3.5.0 स्टेबल अपडेट का। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।